मुंबई में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने पर फर्स्ट हेल्पलाइन फाउंडेशन के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। बीते गत सोमवार को भी एक गरीब लोगों को भोजन वितरण करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच मलाड वेस्ट के रामचंद्र लाइन पर इंडस्ट्रियल एरिया में उन्होंने एक रास्ते में बुजुर्ग को देखा और वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। पुलिस भी सुबह से परेशान थी और 108 एम्बुलेंस को फोन कर रही थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि सुबह से 108 एम्बुलेंस का फोन ही नहीं लग रहा है। 108 पर कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे में फर्स्ट हेल्पलाइन फाउंडेशन की टीम ने भी वहां से 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा। वहीं फर्स्ट हेल्पलाइन फाउंडेशन के सदस्य संजू तुषामण ने बताया कि पिछले 3 घंटों से मैं इस जगह पर मौजूद हूँ और 3 घंटे से हम एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। पुलिस भी फोन लगा रही है, उनका भी फोन नहीं लग रहा है। वहीं संजू तुषामण ने ये भी बताया कि हमने बहुत से जगहों पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया है, लेकिन अब जाकर 3 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। मलाड वेस्ट रामचंद्र लाइन मलाड इंडस्ट्रियल मुंबई सर, मैं 3 घंटे से यहाँ पर आया हुआ हूँ और 3 घंटे से 108 एम्बुलेंस पे मैं कॉल कर रहा हूँ, उनका कॉल ही नहीं लग रहा है। और यहाँ पर पुलिस वाले आए थे और पुलिस वाले भी 108 को कॉल लगा रहे हैं, लेकिन 108 का कॉल ही नहीं लग रहा है। आज ये सिचुएशन देखते हुए इनको कोई सामने नहीं आ रहा है इनको उठाने के लिए। सर ऐसे ही अगर हाल रहेंगे तो क्या होगा सर हमारे देश का? यही कहना चाहता हूँ कि एक हम लोग सोशल वर्क का काम कर रहे हैं और पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, इसी तरीके के अगर कुछ भी केस आते हैं तो 108 का जवाबदारी होता है कि जल्द से जल्द आकर उनको प्लीज मदद किया जाए। जो पुलिस स्टाफ इतने टाइम से 3 घंटे से आकर खड़ा है और मैं इतने एम्बुलेंसों को फोन कर चुका हूँ, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं आई है। अब 3 घंटे के बाद में 108 एम्बुलेंस अब आई है और मैंने भी सर बहुत लोगों से कॉन्टेक्ट नंबर लेके मैडम को फोन करके करुणा की टीम को फोन करके उसके बाद में ये गाड़ी आई है। आज व्यक्ति की ये व्यक्ति की इस तरीके से हालत खराब है तो सर अगर कल पूरे देश भर में अगर ऐसी हालत होगी तो हम क्या करेंगे सर? वहीं इस संस्था के अध्यक्ष सर्वे सिंह जी ने कहा कि अगर एक व्यक्ति का ऐसा हाल है तो बाकी लोगों का क्या होगा, आप इससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग है जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस भी सुबह से एम्बुलेंस को फोन लगा रही है, लेकिन 108 पर कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। अभी तो देखिए, अभी यहाँ पे लोगों को ये तो सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर एक बॉडी के साथ में अगर ऐसा हो रहा है, अगर एक जन के साथ में ऐसा हो रहा है तो ये हाल है। अगर आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग अगर होंगे तो क्या होगा, तो हमें अभी से अलर्ट रहना पड़ेगा। और 108 के अलावा भी कोई भी हेल्पलाइन अगर अदर नंबर है तो भी वो चालू करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को हेल्प हो जाए। अगर एक मलाड में केस है, हम लोग देख रहे हैं, अगर 4 घंटे में फ़ोन करने के बावजूद भी अगर वो एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है तो अगर यहाँ पे 100-200 केसेस अगर हो जाते हैं तो क्या हैंडल करेंगे? और फिर पूरे मुंबई में अगर यहाँ पे 1000-2000 लोग केस हो जाएंगे तब तो कुछ कार्य नहीं हो सकता है। सारे के सारे एम्बुलेंस के चक्कर आने से पहले ही लोगों की डेथ हो जाएगी। तो सरकार की ये तो नाकामी है जो कि चीज़ों की सिस्टम को पूरी अपडेट नहीं है, या तो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। कॉल करेंगे कॉल ही नहीं लग रहा है, उठा नहीं पाएंगे, फ़ोन पर बात नहीं होगी तो कोई आएगा ही नहीं। तो इतना भी क्या है कि जब एक आदमी के लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं इतने टाइम में फोन नहीं उठा, तो कितने केसेस आज के डेट में मुंबई में है कि जिसकी वजह से इतनी बिजी है 108 और वहाँ की टीम आई 108 की। एटलीस्ट हम लोगों ने कम से कम सुबह से फर्स्ट हेल्पलाइन फाउंडेशन के लोग लगे हुए हैं यहाँ पर और उसके बाद जा करके उन्हें 6 घंटा मेहनत करने के बावजूद ये टीम पहुंची है एम्बुलेंस की। तो आप समझ सकते हैं कि इतना किसी के कौन टाइम दे सकता है कि 6-6 घंटा वेट करेगा, पूरी पुलिस की टीम बुला के हम लोग 3 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर तब जा करके ये ऐसा हो रहा है। इसके लिए हम लोग इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी साबित हो रही है, इसमें सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। उद्धव जी से मैं कहूँगा कि इसके लिए थोड़ा सा फुटिंग वॉर पे वो काम करें, जिसमें कि 108 का है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए टीम इमीडिएट पहुँचे, ऐसा कुछ हो जिससे लोगों को हेल्प हो सके। अगर एक व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, अगर यहाँ 10-20 केस और हो जाते हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को एक अदर हेल्पलाइन नंबर भी चलाना चाहिए, ताकि अगर 108 पर फोन ना लगे तो दूसरे नंबर पर फोन कर सही समय पर एम्बुलेंस पहुँच सके और लोगों की जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।